नमस्कार, आज है 4 अक्टूबर 2019 और ये हमारा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है। ये जो वीडियो है मैं रोज सुबह 4 बजे आपके लिए अपलोड कर देती हूँ हमारे चैनल्स पर। चैनल्स हैं हमारे पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो हमारी एपिसोड संख्या है 433rd एपिसोड है। ये हमारे चैनल्स हैं पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इनके साथ नहीं जुड़े हैं, तो आप जुड़ जाइए, आप बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें। साथ ही साथ ये वेबसाइट्स हैं ssccgilpinnacle.com और baljitdhaka.com, इन्हें भी आप जरूर विजिट करें। कल की जो प्रीवियस क्विज थी उससे मैं शुरुआत कर रही हूँ। पहला प्रश्न देखो, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और यहाँ पर आंसर होगा मुनीर अकरम। मुनीर अकरम जो है उनको नियुक्त किया गया है। दूसरा प्रश्न खेलों से संबंधित, अनु रानी विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में किस इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? तो यहाँ पर आंसर है जैवलिन थ्रो। ये दो हमारे प्रीवियस क्विज के क्वेश्चंस थे। बहुत आज का पहला प्रश्न है कि स्टेशन स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कौन सा रेलवे स्टेशन है जो भारत में सबसे स्वच्छ स्टेशन है? ये हमारा क्वेश्चन है और आंसर यहाँ पर होगा जयपुर रेलवे स्टेशन। आंसर यहाँ पर हमारा क्या है? आंसर यहाँ पर हमारा जयपुर है। जो रेल मंत्री है पीयूष गोयल जी, उन्होंने गांधी जयंती के अवसर पर स्टेशन स्वच्छता सर्वेक्षण जो है उसको जारी किया है और इस सर्वे में भारत के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से करीब 720 स्टेशन जो है वो शामिल किए हैं, जिनमें उपनगरीय स्टेशन भी शामिल हैं, और इनमें सबसे स्वच्छ स्टेशन जो है वो जयपुर को घोषित किया गया है। जयपुर भारत में सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन के रूप में उभरा है और उसके बाद जो है एक और स्टेशन जो कि राजस्थान का ही है, जोधपुर स्टेशन जो है वो नंबर 2 पोजिशन पर है। नंबर 3 पोजीशन पर है दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन। तो ये था हमारा प्रश्न 1। अगर हम बात करें रेलवे डिवीजनों की, तो रेलवे डिवीजनों में उत्तर पश्चिम रेलवे जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर है, दक्षिण पूर्व रेलवे जो है वो दूसरे स्थान पर है और पूर्व मध्य रेलवे जो है वो तीसरे स्थान पर है। ये थी जानकारी पहले प्रश्न के बारे में। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखा देती हूँ, ये देखिए वो, ये वो तस्वीर है। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर बात हो रही है जयपुर की, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि गांधी जी की अभी 150वीं वर्षगांठ हमने मनाई है। इस मौके पर काफी सारी चीजें हुई है और राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को पान मसाला और तंबाकू पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है और ऐसा करने वाली राजस्थान जो है, राजस्थान भारत का तीसरा राज्य है। भारत से पहले और 2 राज्य हैं जिन्होंने इस तरह से प्रतिबंध लगाया, वो है महाराष्ट्र और बिहार। बिहार में देखिए प्रतिबंध लगा हुआ है किन किन चीजों पर? पान मसाला और तंबाकू पर। वहां जो राजस्थान सरकार है उसने मैग्नीशियम कार्बोनेट, निकोटीन, तंबाकू या मिनरल ऑयल आयुक्त पान मसाला और सुगंधित तंबाकू के उत्पादन पर, भंडारण पर, वितरण पर और बिक्री के ऊपर रोक लगाने की घोषणा की है। अब हमने इतनी बात की है राजस्थान की, जयपुर की, तो चलिए मैप में भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये है भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। यहाँ पर गवर्नर है कलराज मिश्रा, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं और जयपुर सिटी और जंतर मंतर यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में हैं। जवाहर सागर, जसवंत सागर और राणा प्रताप सागर ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बांध हैं। ये थी जानकारी पहले प्रश्न के बारे में। अब चलिए हम चलते हैं आपको लेकर दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न जो है ये रहा, यहाँ आपसे पूछा गया है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2019 की थीम क्या है? ये प्रश्न है आपके सामने और आंसर होगा द मून गेटवे टू द स्टार्स। ये हमारी थीम थी। आंसर यहाँ पर हमारा जो है ए है, ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ये हमारा राइट आंसर है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो है ये 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक तो मनाया जाएगा, ये तो इसकी डेट है। ओके, और विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2019 की थीम है द मून गेटवे टू द स्टार्स। यह इस वर्ष 20 जुलाई, आपको याद होगा कि 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर मानव के पहले कदम पड़े थे, तो इस साल उसकी 50वीं वर्षगांठ भी हम मना रहे हैं। 6 दिसंबर 1999 को जो यूनाइटेड नेशंस महासभा है उसमें विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की घोषणा की थी। यह पहले कृत्रिम उपग्रह स्प्यूतनिक के 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च की याद दिलाती है।
तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक अंतरिक्ष कार्यक्रम है। ये था हमारा प्रश्न दो और ये देखिए यहाँ पर आप इससे संबंधित तस्वीर भी देख सकते हैं। आ जाइए तीसरे प्रश्न पर। सबसे प्रभावी स्वच्छता राजदूत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये हमारा प्रश्न तीन है और प्रश्न तीन के लिए यहाँ पर उत्तर होगा सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है। आंसर हमारा यहाँ पर जो है वो सी है। क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए आंसर सी होगा। क्रिकेट के दिग्गज हैं सचिन तेंदुलकर, ओके, और इनको इंडिया टुडे ग्रुप ने सबसे प्रभावी स्वच्छता राजदूत पुरस्कार से सम्मानित किया है। पिछले 10 वर्षों से भारत में स्वच्छता अभियान को ये बढ़ावा दे रहे हैं और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के स्वच्छता राजदूतों में इनको भी नामित किया था। तो क्वेश्चन नंबर थ्री आंसर हमारा यहाँ पर सी है। आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर सचिन तेंदुलकर जी को आप देख रहे हैं किस तरह से सम्मानित किया जा रहा है। अब एक रिविजन क्वेश्चन भी करा देती हूँ। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के लिए सम्मानित किया गया है, ओके। तो ये था हमारा प्रश्न तीन। अगला प्रश्न देखिए। पर्यटन मंत्रालय ने एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम पर्यटन पर्व 2019 का आयोजन कब से कब तक किया है? ये क्वेश्चन नंबर फोर है। यहाँ पर आंसर है हमारा ये 2 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक। आंसर यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन नंबर फोर के लिए? आंसर सी है। पर्यटन मंत्रालय 2 से 13 अक्टूबर 2019 तक एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम पर्यटन पर्व 2019 का आयोजन कर रहा है। देश के सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने और सभी के लिए पर्यटन के सिद्धांत को मजबूत करने के उद्देश्य से इस पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है देखो अपना देश, इस संदेश का प्रचार करना है जिससे भारतीयों को देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तो ये थी जानकारी प्रश्न चार के बारे में। अब मैं आपको इससे संबंधित भी तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए पर्यटन पर्व, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, और देखो अपना देश, ठीक है जी। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गांधी जयंती पर मुख्यमंत्री पोषण अभियान के साथ 4 और नई योजनाओं की शुरुआत की है? ये प्रश्न आपके सामने, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हमारा राइट आंसर है। राइट आंसर जो है यहाँ पर डी होगा। 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री जो है वहां पर भूपेश बघेल जी, उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 नई योजनाओं की शुरुआत की है। ये 5 नई योजनाएं कौन कौन सी आपको बता रही हूँ। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, यूनिवर्सल पीडीएस योजना और मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय। तो ये जो है ये शुरू की गई है। अब जैसा कि मैंने बताया इसमें मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान भी है। ये देखिए मैं उससे संबंधित आपको तस्वीर दिखा रही हूँ। मुख्यमंत्री जी जो है ये एक बच्चे को केला खिला रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ के बारे में बात हुई है, आइए देखते हैं मैप में। छत्तीसगढ़ ये जो राज्य है जो मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, ये छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर कैपिटल रायपुर है, गवर्नर अनुसुईया उइके है, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, यहाँ पर कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट और सिपत यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड है। मिनीमाटा बंगो बांध और हसदेव रिवर भी जो है वो यहीं पर है। आगे, किस राज्य ने ग्राम सचिवालय कार्यक्रम शुरू किया है? प्रश्न 6। आंसर इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। आंसर यहाँ पर हमारा डी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपना ग्राम सचिवालय कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत 1,26,000 नई सरकारी कर्मचारी जो है उनको काम मिलेगा, ठीक है। सरकारी कर्मचारी काम करना शुरू करेंगे। YSR कांग्रेस पार्टी ने क्लियरली ये कहा है कि सरकारी सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाया जाएगा ताकि राज्य के पहले की जो योजनाएं हैं ये उससे बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि देखो पहले की जो योजनाएं हैं वो ई गवर्नेंस पर जोर दे रही थी, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लोगों की नियुक्ति हो रही है। नई प्रणाली के तहत जो है 2000 की आबादी के लिए एक ग्राम सचिवालय की स्थापना की जाएगी। उसमें एक दर्जन से अधिक गांव के अधिकारी जिसमें पुलिस के, राजस्व विभाग के और विभिन्न विभागों के अधिकारी जो हैं उसमें शामिल किए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आंसर है आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर देखिए मैं आपको इससे संबंधित तस्वीर दिखा रही हूँ।
बात हुई आंध्र प्रदेश की, आप मुझे आंध्र प्रदेश में जो गवर्नर हैं उनका नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने प्रतिष्ठित वयोश्रेष्ठ सम्मान की स्थापना की है? क्वेश्चन नंबर 7, आंसर है यहाँ पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, आंसर यहाँ पर ए है। जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं उन्होंने प्रख्यात वरिष्ठ नागरिकों और संस्थाओं को वरिष्ठ नागरिकों की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वयोश्रेष्ठ सम्मान प्रदान भी किया। क्वेश्चन नंबर 7, ये थी जानकारी। और यहाँ पर देखिए मैं इससे संबंधित आपको तस्वीर दिखा रही हूँ। हाल ही में भारत में कौन सा राज्य पूरी तरह से विद्युतीकृत राज्य बन गया है, यानी कि वो जो राज्य है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाई हो गया है? क्वेश्चन नंबर 8, इस प्रश्न के लिए हमारा आंसर जो है वो है तेलंगाना। तेलंगाना राइट आंसर है। आंसर जो है यहाँ पर आपका सी होगा, सी राइट आंसर है। तेलंगाना भारत में पूरी तरह से विद्युतीकृत राज्यों में से एक बन गया है। विशेष रूप से दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पर सहज बिजली हर घर योजना, जो सौभाग्य है, उसके तहत 5 लाख से अधिक घरों में 100% बिजली का कवरेज है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड योजना के लिए ये नोडल एजेंसी और सौभाग्य योजना सभी घरों में बिजली प्रदान करने के लिए भारत सरकार की परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर हमारा है तेलंगाना। अब मैं आपको रिवीजन क्वेश्चन भी करा देती हूँ कि तेलंगाना सरकार ने 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। हमने बात की है यहाँ पर तेलंगाना की, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से क्रिएट किया गया है। तो आज आप मुझे तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर कौन है, तेलंगाना में गवर्नर कौन है और साथ ही साथ तेलंगाना की राजधानी क्या है, ये सभी जो है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगला प्रश्न, किस राज्य ने 150वीं गांधी जयंती के उपलक्ष्य में लगातार 36 घंटे के विशेष विधानसभा सत्र का आयोजन किया है? ये प्रश्न है आपके सामने और ऐसा किया है उत्तर प्रदेश ने। आंसर यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, आंसर जो है यहाँ पर डी है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर जो यूपी विधानसभा है उसका विशेष सत्र जो है वो लगातार 36 घंटे चलेगा। ओके, 2 अक्टूबर को सुबह 11 बजे ये जो सत्र है इसकी शुरुआत हुई और 3 अक्टूबर को रात 11 बजे तक ये चलेगा। ये इसका एग्जैक्ट टाइमिंग है। दोनों सदनों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए सतत विकास लक्ष्य जो है उन पर जो है चर्चा होगी। क्वेश्चन नंबर 9, ये आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर मैप में देखिए, ये जो हमारा राज्य है ये उत्तर प्रदेश है, राजधानी लखनऊ है, गवर्नर यहाँ पर आनंदीबेन पटेल है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, लोकसभा में इनकी सबसे ज्यादा सीटें हैं 80 सीटें और राज्यसभा में 31 सीटें। हाल ही में किस राज्य ने एक नई पहल प्लांट्स फॉर प्लास्टिक शुरू की है? देखिए बहुत ही अनूठी सी पहल है ये, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही रोचक क्वेश्चन है। आंसर है यहाँ पर असम। आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर यहाँ पर डी है। असम में इकोसिस्टम को हानिकारक इकोसिस्टम से जो है हम जो प्लास्टिक है उसको बाहर करना चाहते हैं, इसलिए वहां पर क्या पहल की गई है, एक नया अभियान वहां पर शुरू किया गया है और इस अनूठी पहल के तहत प्लास्टिक के लिए पौधे, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो नगर पालिका कार्यालय में जाए 1 किलोग्राम प्लास्टिक जो है वो वहां पर जमा करा सकता है और उसके बदले में आपको कोई मूल्यवान पौधा जो है वो दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10, आंसर यहाँ पर हमारा क्या है, आंसर जो है हमारा यहाँ पर असम है। और स्वच्छता ही सेवा अभियान के अनुरूप इस आयोजन का उद्देश्य जो वहां पर लोग प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं उसको कम करना है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर हमारा क्या है, आंसर यहाँ पर असम है। मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ, ये देखिए, आप वहां पर जाकर प्लास्टिक जमा करवाइए 1 किलो और बदले में आप एक पौधा ला सकते हैं। अपने हाल ही के वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि तिनसुकिया जंक्शन जो है वो देश का मुफ्त सार्वजनिक वाईफाई प्राप्त करने वाला रेलवे स्टेशन बन गया है और वो 4000वां रेलवे स्टेशन बना था और ये तिनसुकिया जंक्शन भी जो है ये लोकेटेड है असम में। हाल ही में एक और रेलवे स्टेशन के बारे में मैंने आपको बताया था जो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड था और वो लेटेस्ट था जहां पर कि सार्वजनिक वाईफाई पहुंचा। आप मुझे बताइए उस स्टेशन का नाम और साथ ही वो कौन से नंबर का स्टेशन था। तो ये थे हमारे आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपके साथ कवर कराए और उम्मीद करती हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं समरी कीवर्ड्स पर। यहाँ पर देखिए
आपको दिया गया है थीम वर्ल्ड स्पेस वीक 2019, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2019 जो है उसकी थीम है द मून गेटवे टू द स्टार्स। ओके, आगे यहां पर देखिए, स्टेशन स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार जयपुर रेलवे स्टेशन जो है भारत का सबसे स्वच्छ स्टेशन है। मोस्ट इफेक्टिव स्वच्छता एम्बेसडर है सचिन तेंदुलकर। सबसे प्रभावी स्वच्छता राजदूत का जो पुरस्कार है वो मिला है सचिन तेंदुलकर को। पर्यटन पर्व 2019 ये 2 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने गांधी जयंती के अवसर पर 5 नई स्कीमों की शुरुआत की है, यहाँ पर आपको दिया गया है। फिर यहाँ पर आगे देखने वाले कार्यक्रम जो है ये आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया है। ओके, उसके बाद है कि सामाजिक न्याय और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसको कहते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है, इसने व्योशेष्ठ सम्मान जो है उसकी स्थापना की है। तेलंगाना एक ऐसा राज्य बन गया है जो कि पूरी तरह से विद्युतीकरण हो गया है, यानी कि वहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। उत्तर प्रदेश राज्य जो है, ओके, गांधी जी की 150वीं जयंती पर उन्होंने लगातार 36 घंटे के विशेष विधानसभा सत्र का आयोजन किया है। और प्लांट्स फॉर प्लास्टिक जो है, ये जो प्रोग्राम है प्लांट्स फॉर प्लास्टिक, एक अभियान है, इसकी शुरुआत की है असम ने, जहां पर आप 1 किलो प्लास्टिक लेकर जाएं तो आपको एक मूल्यवान पौधा दिया जाएगा। ये थे हमारे सभी समरी कीवर्ड्स। अब हम आ गए हैं क्विज फॉर द डे पर। क्विज फॉर द डे में पूछा गया है आपसे पहला प्रश्न कि स्टेशन स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कौन सा रेलवे स्टेशन भारत में सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है, नंबर एक। और दूसरा प्रश्न है कि सबसे प्रभावी स्वच्छता राजदूत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आप इन दोनों के प्रश्न जो हैं, इनके आंसर्स जो हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर दीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक बटन पर क्लिक करें, साथ ही साथ आप वीडियो को जितना संभव हो सके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, वहां पर टेलीग्राम पर आप इसको शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।